बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुन्नास करार दिया, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वह है कि दुनिया की हर कौम और सोसाइटी उनको अपना बड़ा मानती है। दुनिया के हर मजहब, दुनिया के हर कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो सबसे पहले यह दुआ की कि रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ए अल्लाह इस मक्का शहर को अमन वाला शहर बना दे। यानी रिजक बाद में मांगा है, वर्जुक आला कह के बाद में रिजक मांगा, लेकिन पहले अमन मांगा कि या अल्लाह इस मक्का शहर के अंदर अमन पैदा फरमा दे। जाहिर के जब अमन होगा तो खाना पीना भी इंसान इत्मीनान से करेगा, सोना जागना भी इत्मीनान से करेगा, चलना फिरना भी इत्मीनान से करेगा, खेती बाड़ी तिजारत भी इत्मीनान से करेगा। जब अमन ही नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी सारी की सारी मुंतशिर हो जाती है। इसे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से मक्का का अमन मांगा। मालूम है कि अमन, अमन असल में जिंदगी की वो बुनियाद है कि अगर अमन आपको हासिल है तो इसका मतलब है जिंदगी के सारे रगो पे आपके दुरुस्त हैं। जिंदगी के एक ही घर को तो सुकून से आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर अमन नहीं है, जिंदगी खौफ के अंदर मुबतला है। खौफ इंसान का किसी भी एतबार से हो, माली एतबार से खौफ हो, जिस्मानी एतबार से खौफ हो, सेहत के एतबार से खौफ हो, बीमारी और मर्ज का खौफ हो, गोया कि दुश्मन का खौफ हो, किसी भी किस्म का खौफ हो, तो इंसान की जिंदगी के अंदर लुत्फ नहीं रहता। इंसान जिंदगी की नेमतों से हकीकी लुत्फ नहीं उठा सकता। इसलिए सबसे पहले अमन मांगा। तो तभी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो दुनिया में जब तशरीफ लाते हैं तो सबसे बड़े अमन के अलंबरदार होते हैं, अमन को लेकर चलते हैं, खुद भी अमन की जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों को भी अमन मुहैया करते हैं, यहां तक कि मुल्क और खित्ते के अंदर अमन पैदा करते हैं। जाहिर है कि अमन को जो आम करते हैं तो अमन मिलने के बाद दुनिया की हर नेमत का फायदा उठाने का मजा आ जाता है।